यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं पिछले काफी समय से दादरी रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास की मांग पूरी नहीं होने पर इनेलो विधायक राजदीप फोगाट ने लाइन पार्क क्षेत्र के नागरिकों और नगर पार्षदों के साथ मिलकर धरना दिया। धरने के दौरान रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार और रेलवे पर अंडरपास को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए और इस दौरान विधायक ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अंडरपास निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो क्षेत्र के नागरिकों के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। आपको बता दें कि पिछली सरकारों ने भी अंडरपास बनाने की घोषणा की थी लेकिन रेलवे अंडरपास बनाने के लिए रेलवे को पैसा नहीं दिया गया था। जब बीजेपी सरकार ने चरखी दादरी को जिला घोषित किया तो सीएम ने उसी दिन इस अंडरपास को बनाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अभी तक अंडरपास का कार्य जारी नहीं हुआ। अंडरपास बनाने की मांग को लेकर इनेलो विधायक राजदीप फोगाट की ओर से एक हफ्ते पहले आमरण अनशन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था। डीआरएम साहब के पास गया, मंत्री जी से कई, मुख्यमंत्री जी से कई, विधानसभा में कई, यहाँ पे धरना दिया, यहाँ पे प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब ये क्लियर हो गया कि ये नहीं बनाएंगे तो 7 दिन पहले हमने एक फैसला लिया कि भी अगले एतवार तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई तो नज़र आई तो हम अनशन नहीं करेंगे, और नहीं तो अगर ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आई या ठोस कार्रवाई उन्होंने नहीं की तो हम अनशन पर बैठेंगे।